रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अपने छोटे भाई उज़ैर अख्तर खान के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उज़ैर, आप अपने बारे में बताइए, आप क्रिकेट कब आपने स्टार्ट की और कितनी खेली, ज़रा बताइए अपने बारे में कुछ ऑडियंस को। जी शुक्रिया जुनेद। मैंने क्रिकेट जब स्टार्ट की एज अ 2002, मैं उस वक्त स्कूल के ज़माने में मैं एज अ टू क्लास में था, तो अपना मैंने पहली दफ़ा मैंने अपने दरवाजे के पास खेलता था, वो प्लास्टिक की मतलब स्ट्रीट क्रिकेट खेली आपने। हाँ। अच्छा, और वो बताएं जो यूबीएल में आपने एडमिशन लिया था, यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर, और आप जो है एकेडमी के अंदर थे, वो बताएं जरा। जी मैंने 2014 में मैंने अपना दाखिला लिया था यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो अपना यानी बड़ा मज़ा आता था मुझे, कैचिंग प्रैक्टिस सिखाई जाती थी और बाकायदा नमाज वगैरह की भी टिप्स सिखाई जाती थी, और ये वो यानी सब कुछ, यानी बैटिंग सिखाना पकड़ना। अच्छा। ये सब फील्डिंग प्रैक्टिस, फिटनेस प्रैक्टिस के आपको कितना फिट होना चाहिए, डाइट प्लान वगैरह सब चीज़ें, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और एकेडमी काफ़ी अच्छी थी, तो उसमें आपकी मुलाकात होती थी क्रिकेटर्स वगैरह से, सुपरस्टार से, किस किस से मुलाकात हुई आपकी? जी मेरी मुलाकात एक मरतबा ट्रेनिंग करने आए थे अभी पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान सरफराज अहमद, उस वक्त एज अ विकेट कीपरिंग करते थे जब मिसबाह उलहक कप्तान थे, तो यानी उनसे मुलाकात हुई, और अपना शाहजेब हसन और ये असद शफीक और ये 14 खिलाड़ी फवाद आलम। वो जो मुलाकात हुई थी उसका सबूत आवाम को ज़रा दिखाइए कि आपके पास क्रिकेट बैट पे आपने किन किन के ऑटोग्राफ्स लिए थे। जी ये मेरा क्रिकेट बैट है हार्ड बॉल का, इसमें दिखाइए, इसमें मेरे ये 4 खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ हैं। अच्छा, ये बताइए ये किस किस के हैं, ये जो टॉप से बताइए जरा। टॉप से मुझे लग रहा है ये असद शफीक का है। अच्छा, आप भूल गए, सही है, जाहिर है ऑटोग्राफ इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और दूसरा मुझे आगे इस इधर भी दिया हुआ है ऑटोग्राफ, थोड़ा भी मिटा मिटा हुआ है। अच्छा। फवाद आलम ने 2 जगह दिया था, यानी असद शफीक का टॉप पे, नीचे किसका है? मुझे लग रहा है ये फवाद आलम का है। अच्छा। और एक जो आखिरी वाला है वो सरफराज का है, तो सरफराज से मैंने थोड़ी तफरी भी की थी, मैंने बोला ये जरा ऑटोग्राफ दे दें, यानी पेन दिया था मैंने उनको, तो कहने लगे बेटा मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज मैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज मकाम में होता, तो मेरे से बड़ी तफरी की थी। एक फनी मोमेंट क्रिएट हो गया था आपके साथ। हाँ। अच्छा, तो और ये इस तरह से आपके यूबीएल के और भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं? हाँ। आप बोले थे शायद आफरीदी। हाँ, मेरे साथ ये बड़ी नमाजें पढ़ी इन सब खिलाड़ियों ने। हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा, यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये हमारे एरिया में ही है, और इसके बराबर में ही मदीना मस्जिद है, एक मस्जिद, तो वहाँ जाहिर है जब जुम्मे के दिन मैचेस चल रहे होते हैं तो वो नमाज पढ़ने भी वहाँ आ रहे होते हैं सारे खिलाड़ी, तो उनसे हमारी वहाँ भी मुलाकात हो जाती है, यूबीएल में भी मुलाकात हो जाती है। यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वालों की एक अच्छी बात यह है कि पब्लिक के लिए बहुत सारे टूर्नामेंट्स में ये पब्लिक को अलाउ कर देते हैं, तो उसमें हमारी बहुत सारे सुपरस्टार्स से, मशहूर क्रिकेटर्स से मुलाकात हो जाती है, उनके साथ हम ऑटोग्राफ ले लेते हैं, तस्वीरें खिंचवा लेते हैं, तो ये सारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। क्यों, वो याद है 2001 का जो रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट था, उसमें कितनी बड़ी क्रीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, लेजेंड सारे हमने अपनी आंखों के सामने देखे, शाहिद आफरीदी जो है, शोएब मलिक, इमरान नजीर, इमरान नजीर, और ये जितने भी अभी लास्ट ईयर वाला भी बताएं आप, कि वो जो हमने वो किया था जो टूर्नामेंट था, हबीब बैंक का जो फाइनल था, किससे था, सुई साउथर्न गैस से जो फाइनल हुआ था, जिसमें आपके वो अब्दुल वहाब रियाज, नहीं यूबीएल का पड़ा था, एक ही टीम में इतने बड़े बड़े नाम थे, यूनुस खान की टीम जीती थी, यूबीएल की, यूबीएल, हाँ यूबीएल की टीम खेली थी। अच्छा, यूबीएल की टीम खेली थी, तो वो उसमें क्या हुआ था कि वो अब्दुल वहाब रियाज एक टीम के अंदर थे, एक ही टीम में कामरान अकमल थे या उमर अकमल थे, और वो थे मोहम्मद इरफान थे, सारे अच्छे अच्छे बॉलर एक ही टीम के अंदर, सब कुछ था, लेकिन यूनुस खान की टीम जो है वो जीत गई थी। 231 बनाने थे या 219 ऐसी कुछ टारगेट था। तो ये बड़ी अच्छी अपडेट्स आपको मिली होंगी, उम्मीद है कि पसंद भी आई होंगी। अपना सबका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।